हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं सात ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिसे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी बननी है, पक्का बनी है। तो आप आइए हमारे साथ पहला एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला एक्सरसाइज आप पुशअप करते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए दो ब्रिक रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ग्रिप अच्छा बनता है और आप अच्छी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हमें इसे इस तरह से कुछ इस तरह से रखना रहेगा, नज़दीक नज़दीक, और इस सोल्जर्स के सामने रहेगा। ये इसको हम लोग को ऐसे करना है। उसके बाद हमें 15-15 के तीन रैप, 15-10-12 के तीन रैप लगाने हैं दोस्तों। इसको इस तरह से परफॉर्म करना है। मैं इस तरह से ग्रिप देखिए, अच्छा ग्रिप बन रहा है। इस ग्रिप की वजह से थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बस इतना ही परफॉर्म कर पाएंगे कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि अगर हम ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस एक्सरसाइज को आप तीन रैप लगा सकते हो 15-15 के। इसके बाद हम आते हैं चलिए अपने दूसरे एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा बाइसेप है। फ्रेंड, बाइसेप के लिए हमको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस ब्रिक को लेना है, सिंपली इस ब्रिक को लेना है, ऐसे ही बैठे रहना है। आप बैठ के भी, खड़े होकर जैसे भी करना चाहते हैं वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप इस तरह से लेंगे ब्रिक, और आप इसको पूरा एकदम अपने शरीर में खुद से दबा के उसके बाद एक्सरसाइज को ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ट्राइसेप प्लस बाइसेप दोनों ट्रेन होगा। इसको आप जितने रैप लगा सकते हो, जितना आपके पास मतलब एनर्जी है पूरा लगा दो, 100, 200, 50 जितना कर सकते हो उसको करो। इससे देखिए हमारा बाइसेप पंप हो जाएगा। मैं फ्रेंड्स इसी से करता हूँ, या तो कभी कभी डंबल से करता हूँ, क्योंकि डंबल से पर डे मैं नहीं कर सकता, इसी से रोज करता हूँ, डंबल से किसी दिन करता हूँ। फ्रेंड्स, आप इस एक्सरसाइज को इसी से इधर से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हो गया हमारा बाइसेप एक्सरसाइज। आप इससे तीन रैप 50, 60, 100 करके लगा सकते हैं। चाहे पहले 100 करिए, पहले चाहे 60 से स्टार्ट कीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने तीसरे एक्सरसाइज पे, जो कि है हमारा थाई वर्कआउट, जो कि हमारे लोअर मसल्स, लोअर बॉडी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा अपना कैमरा ऊपर कर लेते हैं। ये रहा। तो फ्रेंड्स, हमको इस तरह से रहना है। उसके बाद हमको याद रहना चाहिए, ये मेरा जो घुटनी है इसको आप इससे, इस टो से आगे नहीं जाना चाहिए। आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। आप बिगनर रहेंगे तो आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हमको इस तरह से परफॉर्म करना है। आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे, एक सेकंड दोस्तों, आपको इस तरह परफॉर्म करेंगे। ये रहा हमारा, ये वाला, इसको आप जितना चाहे मतलब 30 से 40 के रैप पे लगा सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप 10-15-12 ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा तीसरा एक्सरसाइज, जिससे हमारा लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को बनाने में भी बहुत मदद करता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने चौथे एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा रहेगा पुलअप। पुलअप करने के लिए बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको लगता है कि पुलअप कैसे करेंगे, लेकिन पुलअप बहुत आसान होता है। सबके घर में छज्जे होते हैं, उस छज्जे से लटक के आप पुलअप कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलअप करने के लिए आप छज्जे का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम छज्जा दिखाते हैं आपको। ये रहा हमारा छज्जा। इस छज्जे से मैं लटक के एक्सरसाइज करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरा इधर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटी सी मोबाइल है अभी। ये रहा हमारा छज्जा, लटक के
ऐसे आप जितना रैप्टे लगा सकते हो वैसे लगाइए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जिम जाने का वक्त नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे ही सब कुछ कर सकते हो। तो हमारा 4 एक्सरसाइज परफॉर्म हो गया फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने 5वें एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा रहेगा ट्राइसेप एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप के लिए हमको क्या करना है, ट्राइसेप के लिए हमको एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जो कि है ट्राइसेप के लिए हमको इस ब्रीफ को अपने हाथ में लेना है। तो फ्रेंड्स ट्राइसेप के लिए हमको इस ब्रीफ को अपने हाथ में लेना है, अपने शरीर को इस तरह से बेंड करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए फ्रेंड, एक गलत पोस्चर। फ्रेंड अपने शरीर को इस तरह से बेंड करना है, उसके बाद इसको ऐसे परफॉर्म करना है। आप ऐसे जितने रैप्टे लगा सकते हैं, 12, 10 जो भी हो पाए आपसे, आप 3 रैप लगाइए। पहले आप ज़्यादा रैप लगाइए, दूसरी बार जब दूसरे सेट पे आप उससे कम रैप लगाइए। इसको आप ऐसे पढ़ो, इसको यहाँ ढीला लाइए, यहाँ से पूरा नहीं, इसे झुलाइए मत, ऐसे मत झुलाइए, अलार्म की तरह ना करिए, इसको लाइए यहाँ पे, रोकिए, रोकने के जस्ट बाद आराम से पूरा ऊपर तक ले जाइए, फिर ऐसे लाइए आराम से पूरा। देखिए फिर हमारा ये ट्राइसेप इस तरह से ट्रेन हो रहा है, इसको आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप इस ट्राइसेप को भी ऐसे, जैसे ब्रिक को आपको इस तरह से ग्रिप में लेना है, उसके आपके बाद आपको देखिए ये इस तरह रखना है। उसके बाद एक फ्रेंड ऐसे देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से इस पोस्चर को मैंने परफॉर्म किया है। तो देन फ्रेंड्स ये हमारा इतना हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं अपने 6वें एक्सरसाइज। 6ठा एक्सरसाइज है कि हमें अपनी कलाइयों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होता है। तो कलाइयों को मजबूत करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से आपको इस ब्रिक को लेना है। ब्रिक को लेने के बाद आपको इसको इस तरह से परफॉर्म करना है, जितना हो सके उतना करिए। वैसे ज़्यादा परफॉर्म करने से पहले 20-30 बार करने के बाद आपका कलाई पूरी तरह से पंप हो जाएगा, उसके बाद आपसे ब्रिक उठेगा नहीं। फिर आप कुछ समय रेस्ट लेके 10-20-30 सेकंड रेस्ट लेने के बाद आप 15 का रैप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है। तो लास्ट एक्सरसाइज 7वें एक्सरसाइज पे हम आते हैं फ्रेंड, जो कि है हमको फिर से एक बार इन सारी एक्सरसाइज को एक एक रैप्टे लगा के उसके बाद पुशअप करके एक्सरसाइज को ख़त्म कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरे 1 महीने करते हैं तो गारंटी है आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से, आप हमारी तरह आपकी बॉडी भी बन सकती है। तो फ्रेंड्स आप मेहनत कीजिए पूरा, हम आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिना दबाए मत जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही चीज़ है। हमारे पास आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, मैंने इस तरह के डंबल्स बनाए हैं अपने लिए, जब मेरा ब्रिक से नहीं हो पा रहा था, जैसे ब्रिक से एक लेवल तक ही बॉडी बनती है, उसके बाद आपको वेट की ज़रूरत पड़ती है। वेट के लिए मैंने इस तरह का डंबल बनाया है, जो कि कुल 100-150 में मेरा डंबल बन के तैयार हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा डंबल बनाना, तो अगर आप लाइक अच्छा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे कमेंट में आप कहेंगे, तो हम आपको इस डंबल कैसे बनता है आपको बना के दिखाएंगे, या तो हम किसी को सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पे जाके अच्छी वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स